हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आप सारे मेरे पुराने स्क्रैच आउटफिट वीडियो देख रहे हो। तो आज की वीडियो में आपको पता ही है किस चीज पे वीडियो आ चुकी है। केयर अडवाणी ने रिसेप्शन पे जो ड्रेस पहनी है ये वाली, इसको हमने रिक्रिएट किया है। तो अगर हम इसे क्लोजअप से देखें ड्रेस को, तो इसने कुछ सिल्क काइंड ऑफ कपड़ा यूज करा है। नीचे का जो फैब्रिक है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा दोनों की ड्रेस का जो फैब्रिक है नीचे का, इसे बोलते हैं मर्मिड गाउन, MERMAID, मर्मिड गाउन बोल देते हैं या फिर लॉन्ग गाउन भी बोल देते हैं, तो जैसा आपको सही लगे। तो ये दोनों के जो कपड़ा है, पैंट का और उसकी ड्रेस के नीचे का जो फ्लेयर है, वो दोनों के फैब्रिक सेम है। थिक है फैब्रिक, पतला फैब्रिक नहीं है। तो मैंने जो फैब्रिक लिया है वो बिल्कुल हटके लिया है। इसका सिल्क काइंड ऑफ फैब्रिक है, मैंने सिल्क नहीं लिया। इसका ऊपर देखोगे ना, सेंटीन या फिर सिल्क वगैरह इस तरह से फैब्रिक है, तो मैंने वो नहीं देखा। क्योंकि अगर मैं वो देखती तो बैक देखो इसकी, पहले ये बैक डिटेलिंग है इसकी, तो इस पे जिप लगी हुई है, तो फिर वो जिप वाला काम करना पड़ता, चैन वाला काम करना पड़ता, फिटिंग, फिर स्ट्रेच नहीं खाएगा कपड़ा, तो फिटिंग तो फिर देनी पड़ेगी ना, तो वो और भी टाइम लगता है। फिर आप कहते हो कि स्केच आउटफिट में टाइम लगाते हो, तो टाइम लगता है भाई, आप बना के देखो, टाइम लगता है स्केच आउटफिट में, बताने वाला कोई नहीं है, खुद से सोचना है। कभी बनाई नहीं ऐसी ड्रेसेस मैंने लाइफ में, कभी आज तक ऐसी ड्रेस नहीं बनाई मैंने, तो पहली बार ड्रेस बना के आपके सामने लाऊंगी मैं। तो ये फैब्रिक है, ये इसने पहना है। तो मैंने जो लिया फैब्रिक वो लिया अगेन शलीन का, क्योंकि इसलिए लिया है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को शलीन क्यों लिया आपने। ये मिक्स होती है वेलवेट की, 100 रुपीज मीटर आती है, स्ट्रेचेबल होती है। एक तो इसका पना ज्यादा आता है, अर्ज बहुत ज्यादा होता है, जब मैं रेप में कट करूंगा तो घेर अच्छा खासा मिल जाएगा। सेकंड, इसमें स्ट्रेच होता है। थर्ड, ये थोड़ा सा थिक होता है। और फोर्थ, इसमें शाइन है, शाइन है ड्रेस के अंदर, शाइन इसमें है। थिक है ये कपड़ा, थिक ये है, ठीक है। एंड कलर जो है वही कलर मैंने लिया। इसका ऊपर ऑफ व्हाइट है, जो अपर है मैंने व्हाइट लिया, क्योंकि इसमें ऑफ व्हाइट मिला नहीं, तो कोई बात नहीं, हमने रिक्रिएट करना है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑफ व्हाइट और व्हाइट में कोई खास अंतर नहीं होता, तो मैंने व्हाइट ले लिया है, बट पहनने बाद एक जैसा ही लगेगा, ठीक है। और सिर्फ इसमें इतना है कि ये स्ट्रेचेबल है, वो स्ट्रेचेबल नहीं है जो कियारा ने पहन रखा है। उसके ऊपर जिप डिटेलिंग है, तो मुझे अब चेन की डिटेलिंग नहीं करनी पड़ेगी इस पर। तो ब्लैक लिया मैंने 4 मीटर, व्हाइट लिया मैंने 1 मीटर, मुझे 100 रुपए का मीटर पड़ा है, तो मुझे टोटल कॉस्ट मेरी इस ड्रेस पे गई सिर्फ 500 रुपीज, 500 रुपए मुझे कॉस्ट किया है सारा, 4 मीटर और 1 मीटर, ठीक है। तो ये इतना फैब्रिक बचा हुआ है, मतलब जो ड्रेस बन चुकी है उसमें से, आज कैसे इसमें ना निकल के आ रहे हैं। ड्रेस बहुत खूबसूरत बनी है, मुझे लग रहा है, ऐसे दिखने में लग रहा है, मेहनत लगी है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक ऐसी, मैंने लाइफ में कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं बनाई, पहले कभी भी नहीं बनाई। ये ड्रेस बनाते पता नहीं इतना खुले माइंड से, कि डर ही नहीं है कोई कटिंग का, डर ही नहीं है कोई स्टिचिंग का, बस कटती गई, काटती गई, स्टिचिंग करती गई। एंड ये एक दिन के अंदर ड्रेस रेडी हो चुकी है कंप्लीट, पूरा एक दिन भी नहीं लगा। और ये ड्रेस में एक भी स्टिच मैंने खोला नहीं है, जैसे खोता ना हम कोई चीज गलत लग जाती है, स्टिच गलत हो जाता है, उधेड़ना इसे हम कहते हैं, तो खोला ही नहीं एक भी स्टिच, बस लगाती अपर पार्ट जोड़ा, देन बॉडीकोन ड्रेस जोड़ी, देन लोअर जोड़ा, बैक जोड़ा, स्लीव जोड़ी एंड रेडी। मैं कहूँ लह कमाल है यार, एक भी स्टिच खुला नहीं है, तो बहुत अच्छा। तो जब कियारा की ड्रेस को हम रिक्रिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लुक को भी रिक्रिएट करेंगे, तो जो मेकअप लुक इसके अंदर करूंगी उसकी वीडियो अपलोड करूंगी मैं, वो भी देख लेना प्लीज, देख लेना। एंड ज्वेलरी जो इसकी काफी हैवी है ग्रीन कलर के अंदर, तो मेरे पास ये वाली ज्वेलरी है, मैंने मीशो से ली थी, मुझे 1.5 साल हो गया ये को, तो काफी खूबसूरत है, तो ये इसे मैं स्टाइल करूंगी इसके साथ। मेरे पास सिर्फ एक सिंगल यही ग्रीन कलर की ज्वेलरी है, बाकी जो मेरे पास ऑक्सीडाइज कलेक्शन ज्यादा है। कोस्ट पड़ा है शलीन का कपड़ा है, 4 मीटर ब्लैक और 1 मीटर व्हाइट लिया है मैंने, स्टिच कर लिया इसको मैंने, सिर्फ 500 मेरी कोस्ट पड़ी है टोटल। तो अब आती है हमारी ड्रेस को दिखाने की टर्न, क्योंकि इसमें से कुछ और बताने वाली चीजें हैं इसमें, अब जो ट्रांजिशन करके वीडियो आपको ड्रेस दिखाऊंगी ना वो देख लेना आप, उसमें आपको चीजें बताऊंगी, आप ये फैब्रिक लो या ना लो, इसके पीछे का गला बनाओ ना बनाओ, वो सारी चीजें बताऊंगी। अगर आप ऐसी ड्रेस बना रहे हो तो मेक श्योर वो सुन लेना मेरी बात, अदरवाइज फिर आप वही उसी चीज से सफर होगे जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी ट्रांजिशन का टाइम है, तो ट्रांजिशन करते हैं। तो मैं बैक आ चुकी हूँ ट्रांजिशन करने के लिए, अगेन मेरे पास एक टुकड़े से ही बचे हैं, सिर्फ इन टुकड़ों से हमें ट्रांजिशन करना है, तो मैं यही ट्रांजिशन करूंगी क्योंकि जितना मेरे पास पीस है। हाँ, करने को कुछ जंप टाइप भी कर सकती हूँ, लाइक रोटेट इस तरीके से घूम भी सकती हूँ, बट इस ड्रेस को लेकर मैं घूम नहीं सकती, इतनी लंबी ड्रेस है, तो घूमूंगी तो खराब करने वाली बात है वीडियो, तो यही होगा काम, ठीक है। तो अगेन काउंटिंग के साथ 3 काउंट करूंगी टोटल, 1, 2 लास्ट 3। सो या दिस इज द फाइनल आउटफिट, पहले आप देख लो दूर से, क्योंकि लंबी है ड्रेस, ज्यादा पहन नहीं सकती। Yeah.
तो ये कंप्लीट आउटफिट है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में. ये ऑफ उसके तो यहाँ पर ऑफ व्हाइट है कलर, बट वो मुझे नहीं मिला जैसा कि मैंने आपको बताया. एंड या बहुत आसानी से ड्रेस बन गई है, ज्यादा टाइम नहीं लगा. अब पहले तो आपको कंप्लीट ड्रेस देख लो, देन सेम पैटर्न जैसे उसका था, काफी डीप नेक था उसका एंड बिल्कुल एकदम किनारे पर मैंने स्क्वायर को खत्म करा है. एंड देन स्लीव्स, बिल्कुल ये जो चीज होती है ना, इसने नाम की है इसके अंदर, आधा इंच एक इंच, ठीक है. एंड देन बैक, बैक में थोड़ा बताती हूँ मैं क्या इशू है, ठीक है. एक बच्चा देख लो, उसकी बैक भी सेम है, उसकी बैक पे भी इस तरह से बीच में कट है एंड देन सेम कट मैंने रखा है. एंड ड्रेस लॉन्ग एंड देन पीछे लंबी, एक मर्मेज बोल दो या फिर एक टेल बोल दो या फिर लॉन्ग गाउन बोल दो, जैसा आपको लगे. तो इस तरीके से कंप्लीट ड्रेस है. तो ये बनाई है मैंने शर्लिन के फैब्रिक में. अब मैं आपको बताती हूँ, आउटफिट बहुत प्रिटी बना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है. आप अगर बनाना चाहते हो आउटफिट, शर्लिन मत यूज करना कपड़ा, बिकॉज ऑफ ये जो ब्लैक है ना इसका, एक सेकेंड, इसका जो ये ब्लैक है ना, इसका हल्का हल्का उतर उतर के ना व्हाइट पे आ रहा है, ठीक है. हल्का हल्का उतर के व्हाइट पे आ रहा है, तो वो दिक्कत करता है. प्लस जो इसका मैंने बैक बनाया है, बैक देखो पहले, ये जो बैक है ना, मैंने कट तो क्या किया, बिल्कुल ही एक इंच चौड़ाई में इतना ही. और अब इसकी चौड़ाई देखो कटिंग की, बिकॉज ऑफ स्ट्रेचेबल फैब्रिक. अगर ये कोई और फैब्रिक होता, सिल्क होता है, कोई और फैब्रिक होता, तो ये एक जगह पर रुकता. स्ट्रेचेबल लेने का नुकसान भी है, फायदा भी है, फिटिंग अच्छे से हो गई, बट यहां दिक्कत आ रही है क्योंकि नीचे जो लॉन्ग हमने ऐड करा है, ठीक है, जो पीछे लंबी जा रही है ड्रेस, उसका वेट ये खा रहा है, ये खा रहा है, तो ये डाउन जा रहा है लाइक दिस, ये डाउन जा रहा है, ठीक है. वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं पता नहीं समझ आएगा, मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मैं फील कर रही हूँ इस चीज को, पहले बात फील कर रही हूँ. एंड यहाँ पे ये थोड़ा डाउन जा रहा है, अदरवाइज डिटेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है. या तो आप कट लगाना मत, मेरे को तो देखो रिक्रिएट करना था, स्क्रैच आउटफिट बना के डिट्टो दिखाना था. आपका कोई ऐसा रोल नहीं है कि आपको डिट्टो बनाना है, आप बैक करना ही मत, ठीक है. छोटी रखना फ्रंट से, कंफर्टेबल रहोगे. मुझे तो रिक्रिएट करना था, आप बना रहे हो, थोड़ा छोटा रखना एंड बैक कुछ मत करना, प्लेन रखना ब्लैक, मेरी मानो तो प्लेन रखना बिल्कुल सही रहोगे. हाँ, दिखने में हमें लगता है कि यार ये तो बहुत प्रिटी लग रहा है, बट जब आप पहनते हो तो अनकंफर्टेबल रहते हो, इसलिए प्लेन रख लेना. अगर रखनी है बैक तो ये कपड़ा मत यूज करना, ठीक है. कपड़ा कोई और यूज करके आप यहाँ पे चेन डिटेलिंग कर लेना जो सेम उसने कर रखी है, ठीक है. तो यही इसके अंदर कमी है, और इस ड्रेस में कोई भी कमी नहीं है. तो लाइनिंग लगी हुई है कपड़े में, सेम कपड़े की लाइनिंग लगाई है, कपड़ा मैंने यही यूज करा नीचे. तो या तो ये है बस. अभी कुछ चलूंगी ना तो ऐसे बाबा फेंकनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि मेरी टीम नहीं है कि जो सेट कर देगी. सो या दिस इज द कंप्लीट आउटफिट. अब अगर आपको ये आउटफिट अच्छा लगता है, एंड रुको रुको, ये जो मेकअप है ना, लुक एट दिस, ये मेकअप की वीडियो मैंने बनाई है एंड मेरे पास यही ज्वेलरी थी ग्रीन कलर में, तो मैंने यही पहनी है. एंड हेयर स्टाइल उसने भी कुछ ऐसा सा बनाया हुआ है, तो मैंने वैसा ही बनाने की कोशिश की है. तो ये मेकअप की वीडियो कल लाइव कर दूंगी, आज 8 बजे ये लाइव हुई है, कल लाइव कर दूंगी. कल आपको चेक कर लेना कि कैसे मैंने ये मेकअप किया. बहुत ही सिंपल सा सटल सा मेकअप है इसका, जस्ट इसमें एक ही चीज है, वो है ये विंग लाइनर, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. एंड या सो दिस इज द कंप्लीट आउटफिट. अब आपका काम क्या है, आपको दो हार्ट कमेंट करने हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, इससे मैच खाते हार्ट आपको कमेंट करने हैं. एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है अपनी आईडी के अंदर, इंस्टाग्राम पे आईडी पे लिंक शेयर कर देना, मुझे टैग कर देना, मैं रीशेयर कर दूंगा अपनी आईडी के अंदर. सो प्लीज इतना जरूर करना. जितनी भी लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं, अगर नहीं कर रखा तो प्लीज फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे पहले अपडेट देती हूँ मैं हर चीज की. और वहां पे रील्स स्टोरी लगाना प्लीज, मेहनत प्लीज, रिक्वेस्ट जी, ठीक है. तो या तो ये मेकअप लुक की वीडियो देख लेना, कटिंग एंड स्टिचिंग की बाद में वीडियो आ जाएगी, और ये कंप्लीट लुक आपके सामने है. एंड आप बता दूं कि आपको कैसा लगा. अच्छा फील हो रहा है कि ज्यादा मेरी मेहनत नहीं लगी, ज्यादा मुझे वो नहीं करना पड़ा, उधेड़ना नहीं पड़ा, एंड फटाफट से बन गया. एंड ये काफी लंबा बनाया बैक का जो मैंने, जैसे उसका बना हुआ लंबा ऐसे. अब इसे मुझे फोटोशूट करना होगा ना, पिक्चर्स तो देखनी है आपने, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी पिक्चर्स, वहां देखना. फोटोशूट कुछ इस तरीके से करूंगी मैं, लाइक इस तरीके से, मतलब यहाँ पे तो वॉल नहीं है, पीछे पर्दा मैं वाइट करूंगी एंड देन कुछ इस तरीके से, देन फेंक के तो करनी ही करनी है पीछे की तरफ से, लाइक कुछ ऐसे जैसे मॉडल्स पिक्चर्स लेती हैं ऐसे, वैसे पिक्चर्स लूंगी. अभी एक टाइम के लिए मुझे हाथ में रखना पड़ेगा थोड़ा कंफर्टेबल के लिए, सो थोड़ा चलना भी है ना. और हील मैंने यहाँ पे पहनी है 6 इंच की. बाकी आप कटिंग भी देख लेना कि कैसे मैंने सब कुछ करा है, इसके अंदर बुकरम लगी हुई है,
बुकरम का काम करा हुआ मैंने, तभी ये पूरा अच्छे से बना हुआ है एंड काफी प्रीटी बना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी ड्रेस बन जाएगी, बट लिटरली बहुत अच्छी बनी है एंड अपर पार्ट बिल्कुल सेम है, लोअर बिल्कुल सेम है। फोटो ऐसे सामने रख के ना फिर ही बनाई है, ऐसे कि ऊपर नीचे ना हो जाए कुछ। जितना मैं बेस्ट दे सकती थी मैंने अपना बेस्ट दिया इस आउटफिट के अंदर। अब आप लोग बताओ कि आपको कितना अच्छा लगा, रेट कर दो आउट ऑफ 10। आप 9 करना चाहते हो, 5 करना चाहते हो, 6 करना चाहते हो, आउट ऑफ 10 में से 10 करना चाहते हो वो आप पर है, तो प्लीज करना जरूर रेट एंड कॉमेंट करना व्हाइट हार्ट एंड ब्लैक हार्ट। आप मेकअप वीडियो देख लेना एंड इसके बाद कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देख लेना एंड बैक फिर से दिखा देती हूँ, थोड़ा डाउन हो रखा होगा बैक। तो ये बैक है एंड यहाँ से फिटिंग है कंप्लीट प्रॉपर, यहाँ से जॉइंट करा है मैंने, जॉइंट करके ये पीछे ऐड की हुई है लॉन्ग, ये चीज ऐड की हुई है पीछे जॉइंट करके, और अगेन आगे भी जॉइंट है सेम इसी तरीके से, ठीक है। ये वीडियो जरूर देख लेना इसके बाद, और इसके बाद जो मोबाइल से मैं क्लिप्स लूंगी वीडियो कोई या कोई पिक्चर्स इसकी लूंगी तो वो बाद में ऐड कर दूंगी, आपको प्रॉपर ड्रेस दिख जाएगी। आई नो अभी इतनी प्रॉपर नहीं दिख रही, एक खड़े पोजीशन के अंदर कुछ पॉजेस दूंगी जैसे इस तरह के ड्रेसेस में देते हैं, तो वो सारी वीडियोज क्लिप्स ऐड कर दूंगी बाद में। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट करना है व्हाइट एंड ब्लैक हार्ट, और आप रेट कर सकते हो ड्रेस। अगर आप कुछ और कमेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो जब आउटफिट बन जाता है ना, जब उसका शूट कर लेती हूँ, चैन आ जाता है कि हो गया मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आपका काम है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बताना नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो आप। वैसे मैंने टॉप के फैब्रिक ले रखे हैं, टॉप ही कट करने का सोच रही हूँ, तो फिर भी आप बताओ कि आपको कौन सा आउटफिट कैसा कुछ क्या चाहिए, स्क्रैच आउटफिट वगैरह, तो वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, आप मुझे पिक कर दे, कई काफी लड़कियों ने करी भी, मैंने रिस्पॉन्स भी करा उनको, तो वहां पे आप कर देना, ठीक है। तो यार दैट इज अ टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। बाकी वीडियोस देख लेना इसके बाद पोस्ट करूंगी। तो या अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच, एंड कमेंट करना मत भूलना व्हाइट एंड ब्लैक हार्ट। ओके बाय।